गाइस मेरे पिक्सेल 6 के वीडियो पे कुल मिला के 120,000 व्यूज आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन है पिक्सेल 6 के बारे में, स्पेशली बिकॉज उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। 25,000 से 26,000 में आपको गूगल का एक अच्छा फोन मिल रहा है, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और लोग जेन्युइनली बहुत सारे क्वेश्चन रखते हैं पिक्सेल 6 के बारे में। और आज मैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जैसे क्या ये फोन हीट होता है, क्या इसकी बैटरी लास्ट करती है, क्या इसकी परफॉर्मेंस कम है, ये सारे इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। इस वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन पिक्सेल 6 के बारे में दूर हो जाएंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा क्या आपको 7a खरीदना चाहिए या पिक्सेल 6a पे ही अपनी बेट लगानी चाहिए। तो वीडियो पूरा देखिए एंड तक ताकि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो पाए, और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के सबसे बड़ा क्वेश्चन आंसर करता हूँ परफॉर्मेंस, क्योंकि किसी भी फोन के नए जनरेशन और पुराने जनरेशन में जनरली एक चीज अपग्रेड होती है जो है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में अगर मैं आपको सीधी बात बताऊं, पिक्सेल 6 और पिक्सेल 7 में एक नॉर्मल आदमी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप एक प्रो लेवल एडिटर हो, प्रो लेवल वीडियोग्राफर हो, प्रो लेवल फोटोग्राफर हो, तो आपको पिक्सेल 7a लेना चाहिए क्योंकि वो एक बेटर वैल्यू बन जाता है, बट ओनली आप प्रो लेवल पे अगर चीजें कर रहे हो। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको फोटो लेके इंस्टाग्राम पे डालनी है, वीडियो लेके स्नैपचैट पे डालना है, उनके लिए भाई पिक्सेल 6 ले लो, खुश रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, क्या पिक्सेल 6 की चार्जिंग बहुत स्लो है? तो हाँ, पिक्सेल 6 की चार्जिंग स्लो है बहुत, तो मैं नहीं बोलूंगा, इट डिपेंड्स आप कौन से फोन से आ रहे हो। अगर आप वन प्लस या वीवो या आईपो के फोन यूज करते हो तो आपको 100% चार्जिंग स्लो रखेगी, बट आपका बैटरी ड्रेन भी कंपैरेटिवली स्लोअर ही होगा, तो आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो काफी लोगों को आता है, क्या पिक्सेल 6a का कैमरा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है? क्या पिक्सेल 6a का कैमरा पिक्सेल 7a जितना अच्छा है? तो देखो, सेंसर पर डिफरेंस है तो कहीं ना कहीं पिक्सेल 7a का कैमरा थोड़ा बेटर प्रोसेसिंग में होता है, बट अगर मैं कंप्लीट ऑप्टिमाइजेशन की बात करूं कि आपको इंडिपेंडेबल कैमरा चाहिए, तो भाई पिक्सेल 6a से बेटर 7a नहीं है। दैट इज द रियलिटी, दैट इज द शॉकिंग रियलिटी, क्योंकि पिक्सेल 6a जो है वो इतने सालों से ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेंसर यूज कर रहा है कि अब इस फोन की पावर कंबाइन कर दो इतने सालों के ऑप्टिमाइजेशन से, तो आपको परफेक्ट क्वालिटी की फोटोग्राफ्स मिलते हैं। अपडेट सिचुएशन, ये और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या पिक्सेल 6a को प्रॉपरली अपडेट मिल रहे हैं? बिल्कुल, पिक्सेल 6a को सारे प्रॉपर अपडेट्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट जो फीचर ड्रॉप हो रहा है वो जितना पिक्सेल 7a में हो रहा है वही पिक्सेल 6a में हो रहा है। लॉन्च के टाइम पे पिक्सेल 7a में कुछ ऐसे फीचर्स आए जो पिक्सेल 6a में नहीं थे, धीरे धीरे करके ये फीचर्स भी पिक्सेल 6a में आ रहे हैं। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों को अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पिक्सेल 6a, क्योंकि पिक्सेल 7a में काफी ज्यादा जो फ्रेम है उसमें अपग्रेड किया गया है, जो क्वालिटी ऑफ मटीरियल है उसमें अपग्रेड किया गया है, तो क्या पिक्सेल 6a उतना ड्यूरेबल नहीं है? गाइस, पिक्सेल 6a बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, फोन टूटने के चांसेस बहुत कम है, बस एक चीज है जो उसकी बैक है उस पर काफी ज्यादा फटाफट स्क्रैचेस आते हैं, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा आप कवर चढ़ा लो, कवर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे उनके लिंक्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी स्क्रीन की, डिस्प्ले की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी अपने वीडियो में कहा है कि कहीं ना कहीं इसका डिस्प्ले फॉल शॉर्ट, और मैंने ये इसलिए कहा है कि 2023 में वो एक 60Hz का डिस्प्ले है, जिसमें काफी लोग बोलते हैं 60Hz तो आईफोन में भी होता है, ट्रू, बट आईफोन का 60Hz थोड़ा ज्यादा स्मूथ लगता है, बट अगर आप अब पिक्सेल 6a को यूज करोगे आफ्टर ऑल दिस टाइम जो सारे अपडेट्स आने के बाद, तो आपको पिक्सेल 6a के 60Hz से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बिकॉज पिक्सेल 6a का 60Hz इज एक्चुअली वेरी वेल ऑप्टिमाइज अभी, और आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगने वाला कि आप पुराना फोन यूज कर रहे हो, लैगी फोन यूज कर रहे हो, तो अगेन दैट्स अ वेरी 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 गुड थिंग, राइट। इसके बाद बात करते हैं स्मार्ट फीचर्स की, क्योंकि काफी लोगों को ये भी डाउट होता है कि अगर मैंने पिक्सेल 7a की जगह पिक्सेल 6a लिया तो फ्यूचर में मुझे स्मार्ट फीचर्स नहीं मिलेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जब तक पिक्सेल 6a का लाइफ साइकिल चल रहा है आपको स्मार्ट AI बेस्ड फीचर्स मिलेंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। कॉल क्वालिटी, सेलुलर रिसेप्शन, सो काफी लोगों की कंप्लेंट है पिक्सेल 6a जब ओरिजिनली लॉन्च हुआ था रेंज कम आ रही थी, अब ये चीज मैंने आईफोन्स के साथ भी ऑब्जर्व की थी, उस टाइम पे जो आईफोन रिलीज हुए थे उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, बट विद टाइम ये भी प्रॉब्लम फिक्स हो गई, आपको इंटरनेट स्पीड्स, आपको नेटवर्क इश्यूज कम आएंगे। ऑब्वियसली जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें नए मॉडल्स हैं तो उसमें बेटर आपको रेंज मिलेगी, बट ये इशू नहीं है, ये बस ऑब्वियसली एक जनरेशनल गैप हो गई है, राइट। अब फाइनली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में पिक्सेल 6a से रिलेटेड है, कि गाइस पिक्सेल 6a हीट होता है क्या? अब ये एक
बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड इसका सिंपल आंसर है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, पिक्सेल 6a के हीटिंग इश्यूज फिक्स हो गए हैं। अभी जितने नॉर्मली फोन हीट होते हैं, देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फोन हीट होते हैं और इट्स अ नॉर्मल थिंग। मेरे पास आईफोन 14 प्रो है, वो भी हीट होता है, क्या करूँ, 1 लाख का फोन फेंक दू, नहीं, राइट। एट द एंड ऑफ द डे जितनी इंडिया में गर्मी है, जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जितना लोगों का फोन का यूज बढ़ रहा है, फोन गर्म होने वाले हैं बट आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा है और पिक्सल 6a फटना वटना ऐसी कोई चीज़ें अभी तक हुई नहीं है। तो हीटिंग के मामले में पिक्सल 6a की कोई मेजर इश्यूज अभी नहीं है। पहले हाँ प्रॉब्लम आती थी कि आपका कैमरा बंद हो जाता था बिकॉज गर्मी बहुत पड़ गई है, वो प्रॉब्लम उन्होंने फिक्स कर दी। उसके बाद मैंने इसको, मेरे पिक्सल 6a को जब मैं यूज़ कर रहा था, मैंने टाइम लैप्स मोड पर सेट करके बाहर अपने घर के बाहर रखा हुआ, भाई वो उसने आधे घंटे तक टाइम लैप्स रिकॉर्ड करता ही रह गया वो इतनी हीट में भी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू नॉट वरी अबाउट इट। अब फाइनली हम फाइनल एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि क्या पिक्सल 7a लू या पिक्सल 6a लू या नथिंग फोन 1 लू या नथिंग फोन 2। ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए ताकि आपकी ही बेटरमेंट हो। देखो अगर आपको कुछ भी प्रो लेवल के फीचर्स यूज नहीं करने हैं, जैसे आप एडवांस वीडियो एडिटिंग, एडवांस फोटोग्राफी नहीं करते हो और आपको 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले से प्रॉब्लम नहीं है, आग बंद करके पिक्सल 6a उठा लो, उससे बेटर फोन नहीं है। बट अगर आपको सिर्फ 60 हर्ट्ज से प्रॉब्लम हो तो नथिंग फोन 1 उठा लो, वो भी बहुत बढ़िया फोन है और उसमें जी कैप डाल दो। दोनों ही केस में बहुत ही बढ़िया फोन है। हर चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलता हूँ अगले वाले में। बाय द वे अगर आप इंटरेस्टेड हो पिक्सल 6a का फुल रिव्यू देखने के लिए तो वो यहाँ पे आ रहा है, और अगर आप इंटरेस्टेड हो नथिंग फोन 1 का फुल रिव्यू देखने के लिए वो यहाँ पे आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।